सुप्रभात बच्चों, जब राम लक्ष्मण भगवान परशुराम को लक्ष्मण जी उस दोहे में कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो महाबलशाली हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, और लेकिन लास्ट के दोहे में वो कहते हैं सब कुछ कहने के बाद कि आप तो वीर पुरुष हैं, लेकिन इस प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से कि रण क्षेत्र में अपने शत्रु को देखकर मुंह के द्वारा अपनी करनी अर्थात अपनी बड़ाई को कह के उसको सुना करके उसको परास्त करना चाहता है। चलिए अब आगे पांचवीं चौपाई में हम लोग अध्ययन करते हैं, शुरू करते हैं। पर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, हे भगवान परशुराम जी, हे महामुनि, हे मुनियों के श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, भृगुकुल के पताका, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मही लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरहु कर जोरा, अब जन दे दोष मोहि लोगो, कटु बादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भासाचा, कौशिक कहा छमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन साधु, खर कुठार मैं अकरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त यही काट कुठारी कठोरे, गुरु न होती हूँ श्रम थोरे। जब विश्वामित्र को इंडिकेट करते हुए उतनी बात कहते हैं तो इस दोहे में भी विश्वामित्र को जी को इशारा करते हुए भगवान परशुराम कहते हैं, गांधी सुनो कह हृदय हंसी, गांधी सुनो माने परशुराम जी की इतनी बात जब सुनते हैं विश्वामित्र जी तो दोहे में विश्वामित्र जी कहते हैं, गांधी सुनो माने विश्वामित्र को कहा गया है, गांधी सुनो कह हृदय हंसी, तो हृदय में हंसते हैं, मुनि हरि हरि मुनि मुनि हरि अरि सूर, आयमय खाड नौखमय अजहुन बूझ सबूर, आयमय माने होता है लोहा, खांड माने गुड़, ऊखमय माने गन्ने से तैयार हुआ हुआ, अजहुन बूझ सबूर माने भगवान परशुराम को अभी ये समझ नहीं है कि ये गन्ने के नहीं बने हुए हैं, गुड़ नहीं है जो खा जाएंगे, ये बालक जो देख रहे हैं मेरे अपने मन ही मन में कह रहे हैं, खुल कर नहीं कह रहे हैं। चलिए शब्दार्थ को का अध्ययन करते हैं, कालो मैंने मृत जन मन जानो, मन जन मानो जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द हैं, हाँ किलावा जबरदस्ती ले आना, मोही मोही लागी मेरे लिए, सुधारी संभार कर एकदम तैयार हो जाते हैं, धरे हुए मैंने रख लिया, कंधे पर हमेशा वो फरसा गणासा रखते थे भगवान परशुराम, उन्हीं के लिए कहा गया है, घोरा माने भयंकर, जबरदस्त, दे माने देना,
कटु आदि कड़वे वचन बोलने वाला लक्ष्मण जी को कहते हैं वो वध जोगु, वध करने के योग्य। बाँचा मैंने बचाया, मैंने अपने आप को कहने कि मैंने इसको बहुत बचाया, बाँचा मैंने मैं खुद बचा कि इसको हमें वध न करना पड़े, लेकिन ये उस लायक नहीं है। कहने का मतलब उनके मरनिहार, यह बालक मरने योग्य है लक्ष्मण को कहते हैं वो। भा मने हो गया, साँच मने सचमुच, क्षमी मैंने क्षमा कर दो, गनई मने गिनते हैं, खर खर का प्रखर होता है तेज जिसको बोलते हैं, अकरुण करुणाहीन, अ मने नहीं करुण मने करुणा, करुणा न हो, कठोर दयाहीन भी कहते हैं इसको, पाषाण हृदय भी कहते हैं, कोही यानी क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला, शील का अर्थ व्यवहार स्वभाव से है, नम्रता से है, गुरु ही माने गुरु से, ऋण ऋण मुक्त होते ही माने हो जाता धनुष। उनके कहते हैं लोग कि वो भगवान परशुराम शिव जी के शिष्य थे, उनकी धनुष को तोड़ना उसी पर कहते हैं। श्रम थोड़े, बहुत थोड़ी सी मेहनत परिश्रम करने के बाद गांधीसु, गांधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, गांधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। अब हंसी मैंने हंसकर, हरियरे मैंने हरा ही हरा, आयमन मैंने लोहे का बना हुआ, उखमय गन्ने से बना हुआ, आजाह मैंने अब भी। परशुराम भगवान परशुराम के लिए विश्वामित्र जी मन ही मन में कह रहे थे, जो भी मैंने दोहे में उसको बताया मैंने। बूझ मैंने समझ, अबूझ मैंने अज्ञानी। बच्चों ये तो शब्दार्थ हो गया जिसको कॉपी में लिखेंगे, अब आइए भावार्थ है ये उस शब्दार्थ के बाद। आप तो लक्ष्मण जी कहते हैं भावार्थ में कि आप हे भगवान, हे भृगु के वंशज अर्थात भगवान परशुराम, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर बोल वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को, जो फरसा गणासा अपने कंधे पर हमेशा रखते थे, सुधार कर मैंने दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं, हाथ में ले लिया, अर्थात वो जब से वार करने की मुद्रा में आ गए और बोले अब लोग मुझे दोष न दें। यानी कि जो सभा में पूरी बैठी हुई है, इस सभा में जो जितने लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष, ने कोई हमें दोष नहीं देना, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक, ये कठोर वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है, अर्थात मैं इसको मार डालूंगा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, महाराज इस बालक का अपराध क्षमा कर दिए। बालकों के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी ने तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, क्योंकि वो धनुष को तोड़े हुए हैं इसलिए अपराधी मान रहे हैं उन लोगों को, राम और लक्ष्मण को। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, सील मैंने प्रेम से, तुम्हारे व्यवहार से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार बने कुल्हाड़ी और फरसा गणासा से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के अर्थात गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता, मुक्त हो जाता। जब यह बात परशुराम जी की विश्वामित्र जी सुनते हैं तो विश्वामित्र जी हृदय में हंसते हैं,
और हंसते हैं हंसते मन ही मन में कहते हैं, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्व विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण इंसान समझ रहे हैं, साधारण बालक समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बने हुए हैं, यह खाड़ के नहीं हैं। खाड़ है रस की, खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएगा, अर्थात गुड़ जो होता है देखो मुंह में डालते ही घुल जाता है। खेद है मुनि, अब वे बेसमझ बने हुए हैं। दुख है कि मुनि जी अभी भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को, इन बालकों के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। ये इसका भावार्थ हो गया। अब ये चार बोध प्रश्न हैं, ये बोध प्रश्न हैं। पहला है, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या क्या कहा और क्यों कहा, इस चौपाई में जो अंकित है उसको आप लिखेंगे पढ़ेंगे, भावार्थ में ही है, अब हम बताएंगे नहीं, आप थोड़ा जोर लगाइए और कॉपी में लिखें। लक्ष्मण का व्यंग सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की, वही जो शब्दार्थ भावार्थ में है। परशुराम के गुरु कौन थे और वे गरुड़ ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे। कहा जाता है कि भगवान शिव उनके गुरु थे, शंकर जी। तुम हो काल हाँक जनुलावा में कौन सा अलंकार है, बच्चों ये उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। मन जन मानो जानो जहाँ लगा होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए मैंने नाइन्थ में भी आपको पढ़ाया था, इसको ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के साथ धन्यवाद।